शहदेव अब पढ़े धारा। पढ़ना या रीडिंग एक बुनियादी महारत है जिसका सीखना हर बच्चे का बुनियादी हक है। जो बच्चे इब्तदाई जमातों में पढ़ना नहीं सीख पाते उनका ये तालीमी खला अगली जमातों में बढ़ता चला जाता है और ये बच्चे उमूमन मायूसी का शिकार होकर स्कूल छोड़ देते हैं। इस बात को याद रखें कि तमाम बच्चे पढ़ना सीख सकते हैं। हाँ, सीखने की रफ्तार कम या ज्यादा हो सकती है, बशर्ते कि आप उन्हें सीखने के लिए अच्छा माहौल, बेहतर तरीका तदरीस और दिलचस्प मवाद मुहैया करें। पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर जमात अव्वल और दोम के लिए रीडिंग लर्निंग मटेरियल यानी पढ़ना सीखने का मवाद तैयार किया है, जिन्हें गवर्नमेंट स्कूलों के असातिज़ा तकरीबन 3 सालों से जमात अव्वल और दोम के बच्चों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तमाम मटेरियल को 1 साल इस्तेमाल करने के बाद रिवाइज किया गया है और असातिज़ा के तजुर्बात की रोशनी में इन्हें मज़ीद बेहतर बनाया गया है। असातिज़ा के टीचिंग लर्निंग मटेरियल के पैकेज में सबक की मंसूबे, तलबा के लिए वर्कबुक, बिग बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, अरकान के चार्ट्स और लेवल रीडर्स शामिल हैं। इन तमाम मटेरियल को तालीमी साल के 24 हफ्तों की तदरीसी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इन तमाम मटेरियल का कमरे जमात में इस्तेमाल देखते हैं। यह असातिज़ा के लिए एक ऐसी गाइड है जिसकी मदद से वो अपने रीडिंग लेसन बेहतर तरीके से कमरे जमात में पढ़ा सकते हैं। हर सबक का दौरानिया 35 मिनट पर मुहित है। पूरे तालीमी साल के 24 हफ्तों की प्लानिंग सबक के मंसूबों में 144 असबाक की सूरत में मौजूद है। तालीमी साल के पहले 12वें और 24वें हफ्ते में तलबा की पढ़ने की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाता है। मुतालिका जायजे की मशकें भी लेसन प्लान का हिस्सा हैं। हर जायजे के बाद हासिल होने वाले नतीज का तजिया असातिज़ा को अपने तरीका है तदरीस या मटेरियल में क्या बेहतरी चाहिए इससे आगाह करता है। असातिज़ा को चाहिए कि वो सबक की तदरीस से पहले तमाम तदरीसी मवाद तैयार करके रखें। आइए अब देखते हैं कि असातिज़ा सबकी मंसूबे या लेसन प्लान में दिए गए मुख्तलिफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए कैसे सरगर्मियां अंजाम देते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि तलबा को दी जाने वाली हिदायत बिल्कुल वाज़े हों ताकि तलबा आपकी बात आसानी से समझ सकें। पढ़ाते हुए ऐसी तदरीसी हिकमत अमलियां या टीचिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करें जिसमें जमात का हर बच्चा शामिल हो सके। सबसे पहले पढ़ाए जाने वाले हर्फ का तारुफ करवाएं ताकि तलबा आज के सबक के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं। तो आज का जो हमारा हर्फ है वो है नून। क्या है नून? नून, नमक। अब इस दिन के हर्फ के कीवर्ड यानी कलीदी लफ्ज और उस हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज की पहचान करवाएं। आप बताओ बेटा। नान। आप बेटा? नाशपाती। और आप? नारियल। और आप? नान। नान। ऐसे अल्फाज भी बताएं जिनकी आखिरी आवाज वो हर्फ हो। इब्तदाई जमातों में जो जबान स्कूलों में सिखाई जाती है उसका सुनना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब हर्फ से शुरू होने वाले लफ्जों में मौजूद आवाजों की मशक करवाएं। इस तरीके कार से तलबा सुनकर आवाजों को अलग कर सकेंगे।
वर्कबुक में दिए गए हर्फ के लिखने की मशक से पहले तलबा को हाथ और उंगलियों की मदद से हवा में लिखने यानी स्काई राइटिंग की मशक करवाएं। ये अमल बच्चों को हर्फ या अरकान की साख्त समझने में मदद देता है। हाथ ऊपर करेंगे अपना, ये बिल्कुल सीधा करें। अब यहाँ जहाँ पे बोर्ड पे मैंने हाथ रखा है, दाएं तरफ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, गोल करेंगे और फिर ऊपर लाएंगे, बीच में जाएगा। इबारत सुनने वाली सरगर्मी में उस्ताद तलबा को ऐसे जुमले सुनाता है जिसमें सिखाए गए हर्फ की आवाज सुनाई दे रही हो और उस हर्फ की पूरी शक्ल भी नजर आ रही हो। तलबा जो ही हर्फ की आवाज सुनते हैं उस पर ताली बजा दें या अपना हाथ उठा दें। इस बात को यकीनी बनाएं कि तलबा अल्फाज में से सिखाए गए हर्फ की पहचान कर सके। पहले जुमले में नून की शक्ल आपको कहाँ नजर आ रही है, इसको अंडरलाइन कर दो, नहीं इसके नीचे लाइन लगा दो। जबरदस्त, तलबा के लिए बनाई गई वर्कबुक में मतन तरतीब देते वक्त हर्फ और अरकान की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस यानी टेक्स्ट बुक और दीगर ग्रेड लेवल टेक्स्ट में हरूफ और अरकान कितनी बार इस्तेमाल हुए हैं इसका खास ख्याल रखा गया है। इब्तदाई हफ्तों में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि तलबा हर नए सबक में पिछले सीखे गए हर्फ और अरकान का इयादा ज़रूर करें। तलबा के लिए डिकोडेबल जुमलों पर मुश्तमिल टेक्स्ट तैयार किए गए हैं जिन्हें तलबा खुद पढ़ते हैं। पढ़ने के दौरान तलबा की कारकर्दगी का जायजा लीजिए और जहां मदद की जरूरत हो वहां मदद कीजिए। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो पढ़ने के दौरान बार बार आते हैं लेकिन इनका इब्तदाई हफ्तों में हिज्जे कर सीखना बहुत मुश्किल होता है। इन लफ्जों को फ्लैश कार्ड की मदद से उनकी पूरी शक्ल में याद करवाया जाता है और उनके इस्तेमाल की मशक भी करवाई जाती है। नया लफ्ज सीखेंगे और वो क्या है, मैं। सब अपने साथ बोलेंगे, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं लड़की हूँ। आज मैं जो पर्ची निकालूंगी वो बच्चा मुझे जवाब देगा, ठीक है। अब दस नल मेज ना, कौन सी आवाज मुश्किल है, नानी नान आम पापी नाश्ता रकम रकम ये बड़े साइज की कहानियों की किताबें होती हैं जिनमें बड़ी तस्वीर और बड़े फॉन्ट साइज का मतन या टेक्स्ट दिया जाता है जिसकी मदद से असातिज़ा एक वक्त में कमरा जमात के तमाम बच्चों को शामिल करके कहानी सुना सकते हैं। इन कहानियों का मकसद तलबा के ज़खीरे अल्फाज में इजाफा करना है, साथ ही साथ कहानी सुनाने से पहले कहानी के दौरान और आखिर में किए गए तफहीमी सवालात की मदद से तलबा इस कहानी को अपने ज़ाती तजर्बात से
रिलेट करने में कामयाब होते हैं। जब ये दरवाजा खोलेगी तो कौन होगा सामने? कोई उसका भाई भी हो सकता है और कोई दोस्त भी हो सकती है और भाई दोस्त और बहन भी हो सकती है, चचा भी हो सकते हैं और अबू भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ना। याद रखिए, हमारे कमरे जमात में कसीर तादाद उन तलबा की होती है जिनकी पहली या घर में बोले जाने वाली जबान उर्दू नहीं होती। असातजा ऐसे तमाम बच्चों को नए अल्फाज सिखाते वक्त उनकी अपनी जबान के अल्फाज भी पूछें ताकि तलबा को मतन समझने में आसानी हो। आपकी जुबान में से कैसे बोल अदा करोगे? बिग बुक की कहानियाँ बैठकर या खड़े होकर सुनाई जा सकती हैं। आपके कमरे जमात की सीटिंग अरेंजमेंट के मुताबिक इस बात का ख्याल रखें कि तलबा किताब में मौजूद टेक्स्ट और तस्वीर बआसानी देख सकें। उर्दू जबान सिलेबिक स्ट्रक्चर रखती है, यानी अल्फाज मुख्तलिफ अरकान पर मुश्तमिल होते हैं। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि वो तमाम जबानें जो इस तरह की साख्त रखती हैं उन्हें सिखाने के लिए बड़े और छोटे हरूफ इल्लत की मशक करवाई जाती है। उर्दू जबान में चार बड़ी आवाजें हैं, आ, ओ, ई और ए। चार छोटी आवाजें यानी आराब, जेर, जबर और पेश हैं। अरकान के चार्ट्स में बड़े और छोटे हरूफ इल्लत की मशक दी गई है। असातिज़ा को इन आवाज़ों की ड्रिल करवानी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों की मशक के बाद तलबा इन अरकान को उनकी पूरी शक्ल के साथ याद कर लेते हैं जिनकी मदद से वो बआसानी अल्फाज बना सकते हैं। ये सिलेबस चार्ट तलबा की वर्क बुक में भी दिए गए हैं जिन्हें आप तलबा की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि ग्रुप में बैठे तलबा एक दूसरे से भी सीखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को उसके अल्फाज के बतदरीज मुश्किल होने यानी उसके डिफिकल्टी लेवल के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जात में तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट ने मुख्तलिफ कारियों के लिए मुख्तलिफ मतन तैयार किए हैं और उन्हें मुख्तलिफ रंगों के कोड दिए हैं। लाल रंग इब्तदाई दर्जे के कारी के लिए है, पीला रंग दरमियाने दर्जे के कारी के लिए और नीला रंग बेहतर दर्जे के कारी के लिए है। साल के आगाज में तलबा के पढ़ने की सलाहियतों का जायजा लेने के बाद उन्हें तीन ग्रुप्स में तकसीम करें और उनके लेवल के मुताबिक उन्हें कहानियां दें। कहानी खत्म करने के बाद तलबा के ग्रुप से तफहीमी सवाल पूछे। कहानी किसके बारे में थी? किरण की चिड़िया बनने का इरादा क्यों कर रही थी? लेवल रीडर्स में बुनियादी प्रिंट कॉन्सेप्ट से मुतालिका सवाल भी पूछे जा सकते हैं, जैसे खत्मा या सवालिया निशान कहाँ है। अच्छा, आप मुझे सफल नंबर चार बोल के दिखाओ बच्चे, आप मुझे सवालिया निशान दिखाओ, सवालिया निशान दिखाओ, एक सेकंड, सब नहीं अपना सिर में इसका देखूंगी। हाँ बताओ, सवालिया निशान, इसे सही दिख रहा है, ये भी है सवालिया निशान। याद रहे के लेवल रीडर्स पे दिए गए कलर कोड असातिज़ा की मदद के लिए हैं ताकि वो तलबा को उनके लेवल के मुताबिक किताबें दे सकें। असातिज़ा तलबा के सामने इब्तदाई, दरमियाने
और बेहतर कार्य के अल्फाज का इस्तेमाल करने से गुरेज करी। इन तमाम मटेरियल को पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के असातिज़ा ने इस्तेमाल किया और अपने तलबा के पढ़ने की सलाहियतों में वाज़ेह बेहतरी का मुशाहिदा किया। आपके तलबा भी पढ़ना सीख सकते हैं। जरूरत इस समर की है कि आप रीडिंग लेसन प्लान में मौजूद तमाम सरगर्मियों और मटेरियल्स को बाकायदगी से अपने तलबा के साथ इस्तेमाल करें।